हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब फ्रेंड्स। आज हम बनाने वाले हैं आलू की टिक्की। जैसे कि आपको पता है कि नवरात्रे लग चुके हैं और नवरात्रों में बिना लहसुन प्याज के कोई सब्जी बनती नहीं है और इसमें लहसुन प्याज भी नहीं खा सकते, तो आज हम व्रत के लिए ही बना रहे हैं। तो यहाँ पे हम बनाएंगे आलू की टिक्की। तो चलिए शुरू करते हैं बनाने के लिए। तो यहाँ पर हमने देखिए उबली हुई आलू ले ली है और मैंने इसका सारा छिलका निकाल दिया है। तो चलिए इसको अब हम कर लेंगे मैश। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसको अच्छे से मैश कर लिया है। अब यहाँ पे हम डाल देंगे जो सेंधा नमक होता है उसको हम डाल देंगे। और यहाँ पे हम डाल देंगे देखिए लाल मिर्ची पाउडर। अगर आपको पसंद है तो आप डाल सकते हैं, अगर नहीं है पसंद तो ना भी डालें। तो यहाँ पे हम कटी हुई मिर्ची डाल देंगे। तो देखिए अगर लाल मिर्ची नहीं है पसंद तो आप ना भी डालें तो चलेगा, क्योंकि हमने यहाँ पर हरी मिर्ची डाली है। तो इसको अच्छे से मिला देंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसको अच्छे से मिला दिया है। अब इसको हम देखिए हाथों में थोड़ा सा लेके लोई, देखिए इसका हम टिक्की बनाएंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, इसी तरीके से हम छोटे छोटे बॉल्स बना लेंगे और बनाने के बाद में इसका हम बनाएंगे टिक्की। तो देखिए छोटे बड़े जैसे आपको पसंद है उस तरीके से बना सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए हम इसी तरीके से जितनी आलू है इसका हम टिक्की बना लेंगे पहले। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने तावा रख दिया है गैस पे और इसमें हम थोड़ा सा डालेंगे तेल। तो अगर आपको रिफाइंड पसंद है तो रिफाइंड ले सकते हैं, घी पसंद है तो घी ले सकते हैं। तो देखिए हम यहाँ पे अच्छे से लगा देंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने टिक्की बना ली है। तो इसमें इतनी आलू में 6 टिक्की बनी हुई है। अब इसमें हम रख देंगे इसी के ऊपर। तो देखिए इसी तरीके से रखते जाना है। बीच में थोड़ा हल्का तेल है तो उसमें ऐसे डाल के बस साइड में कर दें। तो इसी तरीके से सारे टिक्कू को हम बना लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने 6 टिक्की बनाई थी तो 6 को साथ में ही रख दिया है, जगह थी तो हमने रख दिया है। अब इसको अंदर से अच्छे से ये गोल्डन ब्राउन जब तक ना हो जाए, जब तक इसको पलटना नहीं है, ये नीचे से अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो जाएंगे तब इसको हम पलटेंगे। तो देखिए इसको हम एक पलट के देखते हैं। तो थोड़ा गर्म सा है फ्रेंड्स, थोड़ा ध्यान से इसको पलटना है। तो देखिए फ्रेंड्स, बिल्कुल नीचे से अच्छे से क्रिस्पी हो चुका है, गोल्डन ब्राउन हो चुका है। तो इसी तरह से सारे टिक्कू को हम गोल्डन ब्राउन कर लेंगे। तो देखिए इसी तरह से इसको उलट पलट कर अच्छे से गोल्डन ब्राउन कर लेंगे, बिल्कुल क्रिस्पी कर लेना है बनाकर। तो देखिए खाने में भी टेस्टी लगेगा और बहुत ही क्रिस्पी है। अगर एक बार इसको बनाएंगे तो आप बार बार बनाएंगे फ्रेंड्स। तो देखिए ये हमारी टिक्की बनकर तैयार हो चुकी है। अब इसको हम निकाल लेंगे। तो देखिए कितने आसानी से निकल रहे हैं, क्योंकि ये नीचे ऊपर से अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं। तो देखिए हमने यहाँ पे प्लेट में सर्व कर दिया है। देखिए कितने देखने में जितने अच्छे लग रहे हैं, खाने में बहुत ही टेस्टी है फ्रेंड्स। तो देखिए इसको बनाइएगा ज़रूर और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा फ्रेंड्स, ताकि ये नवरात्रि में हर कोई बना सके। तो देखिए फ्रेंड्स, तो वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर ज़रूर करिएगा और चैनल पर पहली बार आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरे बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि ऐसे नए नए वीडियो अपलोड करूं तो आपके पास सबसे पहले पहुंचे फ्रेंड्स। तो देखिए कितना अच्छा लग रहा है और ये बहुत ही टेस्टी लगेगा फ्रेंड्स खाने में। तो मिलेंगे नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए।